दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, जीके और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को इस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको मिले हमारे सारे अपडेट सबसे पहले। हे दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आर्यन जयसवाल और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं जो आप बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे। तो आप देख सकते हैं, इसमें हमने स्क्रीन पर काफ़ी सारे सवाल लिख रखे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस वीडियो का श्रेय जो है वो जाता है दीपक सर को। दीपक सर का एक यूट्यूब चैनल है, सक्सेस मंत्रा बाई दीपक सर। तो उनके एक मित्र हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट FTC का दिया है, तो उनकी मदद से ये सारे सवालों का जवाब मिला है। तो वो बहुत ही अच्छे हमारे मित्र हैं, तो उनकी मदद से हमें इन सारे सवालों का जवाब मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बता देते हैं इन सारे सवालों का जवाब क्या हो सकता है। तो पहला सवाल जो है, पहले कौन सी टाइपिंग होगी और समय कितना होगा। मतलब यह है कि पहले हिंदी टाइपिंग होगी या इंग्लिश टाइपिंग होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, FTC में जो हुआ था वो पहले इंग्लिश टाइपिंग हुई थी और हिंदी में जो हुआ था वो इंग्लिश के बाद हुई थी। तो पहले इंग्लिश टाइपिंग होगी, जिसमें आपको 10 मिनट दिया जाएगा और उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप दिया जाएगा 5 मिनट 10 मिनट का। उसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग दी जाएगी, जिसमें आपको 15 मिनट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश के लिए आपको 10 मिनट और हिंदी के लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पर होगा टाइपिंग हाईलाइट होगा कि नहीं। ये काफ़ी लोग पूछ रहे थे, सर वर्ड जो होगा वो हाईलाइट होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हाईलाइट होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हाईलाइट जो है वो आपको होगा, जो भी आप लिखेंगे वो आपको हाईलाइट होता हुआ वहाँ पर दिखेगा। इसके बाद मैटर का प्रारूप क्या होगा। तो यहाँ पर जो मैटर का प्रारूप है वो इस तरह होगा कि आपको एक सामने, आपके सामने ऐसे ये आपकी स्क्रीन होगी, यहाँ पर ऊपर आपको मैटर दिया जाएगा और नीचे जो आप टाइप करेंगे वो लिखेगा। उसके बगल में आपको यहाँ पर सब कुछ दिया रहेगा कि आप कितना क्या लिख रहे हैं, कितना बैक स्पेसेस कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इससे मैंने इसको एक बेसिकली आपको एनिमेशन द्वारा दिखा दिया है। आप देख सकते हैं, अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन ये है तो आपको इस तरह आपका मैटर होगा, यहाँ पर आपका मैटर होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आपका सब कुछ जो काउंट होगा यहाँ पर आपको लिख करके दिखाएगा। इसके बाद बात करते हैं, क्या बैक स्पेस, क्या बाद में करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बाद में करेक्शन कर सकते हैं। आपको 10 मिनट दिया गया इंग्लिश टाइपिंग में, अगर आप टाइपिंग 8 मिनट में कर लेते हैं तो आपको 2 मिनट में बाद में ले जा करके करेक्शन कर सकते हैं। एरो की से भी कर सकते हैं, अपना कर्सर ले जाकर कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ और सवालों के जवाब में देता हूँ, जैसे बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं। जी हाँ, तो बैक स्पेस बिल्कुल अलाउ है और आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप जितने भी बैक स्पेस दबाएंगे, आपको यहाँ पर एक मैटर जो आपका स्क्रीन होगा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आपने कितने बैक स्पेस यूज किए हैं। तो यहाँ पर आपके जितने बैक स्पेस यूज करेंगे वहाँ पर दिख जाएगा, तो बैक स्पेस अलाउ है। इसके साथ ही साथ और जो सवाल बनते हैं, आई थिंक यहाँ पर सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। अगर आपके और भी कोई सवाल बनते हैं तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके, या आप हमको ईमेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपके जो भी सवाल हैं आप जल्दी से जल्दी आप पूछ लीजिए, क्योंकि आपके जितने सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो अभी के लिए बाय बाय, वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।